आज हम लेकर आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर, तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला 80,06,340 पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 43,893 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 508 लोगों की मौत हो गई। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 120,179 पहुंच गया। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड में कोरोना के 304 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई। तो प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 304 और संक्रमित मामले सामने आए, इसके साथ ही 2 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून में सबसे अधिक 79, नैनीताल में 47, पौड़ी में 38, हरिद्वार में 29, रुद्रप्रयाग में 23, चमोली में 23, उधमसिंह नगर में 18, टिहरी में 14, बागेश्वर में 10, चंपावत में 8, उत्तरकाशी में 6, पिथौरागढ़ में 5 और अल्मोड़ा में 4 कोरोना संक्रमित मामले मिले। वहीं एम्स ऋषिकेश में 1 और सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में 1 मरीज ने दम तोड़ दिया। मरने वालों की संख्या 1009 हो गई है। तो इस प्रकार उत्तराखंड में कुल मरीजों की संख्या 61,261 हो गई है। वहीं 56,556 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 3,696 केस एक्टिव हैं। 1009 लोगों की मौत हो गई। तो अल्मोड़ा में कुल मरीजों की संख्या 1,815, बागेश्वर में 910, चमोली में 1,730, चंपावत में 1,131, देहरादून में 16,998, हरिद्वार में 10,909, नैनीताल में 7,213, पौड़ी गढ़वाल में 2,836, पिथौरागढ़ में 1,439, रुद्रप्रयाग में 1,163, टिहरी गढ़वाल में 3,025, उधमसिंह नगर में 9,424, वहीं उत्तरकाशी में 2,668। टोटल मामले 61,261 हो गए हैं। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। तो उत्तराखंड सरकार के साथ ही सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी दायर की एसएलपी। तो प्रदेश सरकार ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल कर दी है। सरकार ने एक समाचार चैनल के सीईओ उमेश शर्मा के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमे को निरस्त करने और सीबीआई जांच के आदेश के फैसले के खिलाफ एसएलपी दायर की है। इसी मामले में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता और विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने की पुष्टि की है। सियासत गरमाई, विपक्षी दलों ने बोला हल्ला, तो मुख्यमंत्री इस्तीफा दे। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिया था। इस फैसले के आधार पर बुधवार को मैदान में उतरी कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री का इस्तीफा न होने तक कांग्रेस अपना विरोध अभियान जारी रखेगी। मुख्य सचिव ओम प्रकाश को अवमानना नोटिस। तो हाईकोर्ट ने सार्वजनिक स्थलों पर अवैध धार्मिक निर्माण को अभी तक नहीं हटाने पर मुख्य सचिव ओम प्रकाश को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। स्थानीय मार्गों पर आज से चलेंगी 76 छोटी बसें। तो उत्तराखंड परिवहन निगम की दिल्ली को छोड़कर अन्य सभी पड़ोसी राज्यों में बस सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। अब राज्य के अंदर स्थानीय मार्गों पर भी बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। पहले चरण में स्थानीय मार्गों पर 76 छोटी अनुबंधित बसें चलेंगी। पिता कोरोना पॉजिटिव, सार लोलक्स ओपन से हटे लक्ष्य। तो पिता के कोच डीके सेन की कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अल्मोड़ा के लक्ष्य सेन जर्मनी में चल रहे सार लोलक्स ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट से हट गए। सीएम त्रिवेंद्र रावत और मंत्री हरक की आज होगी मुलाकात। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और श्रम मंत्री हरक सिंह रावत के बीच आखिरकार मुलाकात तय हो गई है। दोनों के बीच आज बृहस्पतिवार को देहरादून में ही मुलाकात होगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कोरोना पॉजिटिव निकली हैं। तो बिहार में चुनाव प्रचार में जुटी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जो कि 44 साल की हैं, में कोरोना की पुष्टि हुई है। प्रवक्ता शिक्षक भर्ती के आवेदन तिथि बढ़ गई है। तो बुधवार को लोक सेवा आयोग की बैठक में राज्य के इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता चयन परीक्षा की आवेदन तिथि बढ़ाकर 30 दिसंबर कर दी गई है। तो कोरोना काल में राज्य भर में दूर दराज में रहने वाले पात्र उम्मीदवारों को आवेदन के लिए कम वक्त मिल रहा था। आवेदक सरकार से तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे थे। शासन के पत्र पर बुधवार को बोर्ड बैठक में आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने पर मुहर लगा दी। शासन ने 19 अक्टूबर को जारी पत्र को लेकर के बैठक पर विचार किया। शासन के आग्रह पर आयोग की बैठक में कोरोना काल को देखते हुए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर के 30 दिसंबर कर दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 30 नवंबर तक रोक। तो नगर विमान महानिदेशालय ने बुधवार को कहा कि कोरोना महामारी के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ान सेवा के लिए परिचालन पर रोक 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है।
धुमाकोट में गुलदार के हमले से बुजुर्ग की मौत हो गई। तो पौड़ी से खबर आई है जहां पे धुमाकोट की दीवा रेंज की कीलधार मल्ला गांव में गुलदार के हमले से 60 वर्षीय व्यक्ति की जान चली गई। वन विभाग और धुमाकोट पुलिस ने मौका मुआयना कर जानकारी जुटाई। इस दौरान लोगों ने विभाग से पिंजरा लगाने की मांग की है। डिग्री और माइग्रेशन के आवेदन फॉर्म नहीं मिल रहे, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन स्थित केस काउंटर से डिग्री माइग्रेशन व आवेदन फॉर्म न मिलने पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया है। विरोध स्वरूप कुल सचिव से मिलने गए एबीपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि दूर दराज के क्षेत्रों से छात्र अपने डिग्री माइग्रेशन एवं प्रोविजनल प्रमाण पत्रों के लिए विश्वविद्यालय पहुँच रहे हैं, लेकिन उन्हें आवेदन फॉर्म तक उपलब्ध नहीं कराया जा रहा। कहा, 3 दिन से छात्र आवेदन फॉर्म के लिए भटकने को विवश हैं। मंदिर से उड़ाए छत्र और सोने के आभूषण। तो कीर्ति नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत गढ़वाल विश्वविद्यालय के चौरास परिसर के निकट चौरास मोटर पुल में लगे ज्वालपा मंदिर से चोरों ने चांदी के छत्र व सोने के आभूषण पर हाथ साफ कर दिया। आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग। तो बजरंग दल ने हरियाणा के मेवात में एक धर्म विशेष के युवक द्वारा हिंदू लड़की की गई निर्मम हत्या की कड़ी निंदा की है। घटना की निष्पक्ष जाँच और आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग को लेकर के बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। बिल्ले को सौंप दी दही की चौकीदारी। तो उत्तराखंड कर्मकार कल्याण बोर्ड अध्यक्ष पद से हरक सिंह को हटाने के फैसले पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को उन्हें बोर्ड अध्यक्ष पद से हटाने का अधिकार प्राप्त है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने बुधवार को एक बयान में कहा कि श्रमिकों के कल्याण के लिए उक्त बोर्ड उनके मुख्यमंत्रित्व काल में बना था। उनमें उनकी सरकार रहने के दौरान ही 200 करोड़ रुपये तक जमा हो गए थे, लेकिन बाद में गरीबों के नाम पर इस पैसे को गलत तरीके से खर्च किया गया। अस्पताल बेवजह कोरोना टेस्ट न कराएं। तो ओम प्रकाश, तो मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में ओपीडी मरीजों की संख्या में गिरावट आने पर चिंता जताई। उन्होंने निर्देश दिए कि अस्पतालों में इलाज को आ रहे मरीजों में अनावश्यक कोरोना टेस्ट न कराए जाएं। उन्होंने इस संदर्भ में स्वास्थ्य विभाग को अलग से भी आदेश जारी किए हैं। पिथौरागढ़ में जिला सहकारी बैंक लिमिटेड में सहयोगी और गार्ड की वैकेंसी निकली हुई है। तो इसके आवेदन विज्ञप्ति की जो तिथि थी वो 29 तारीख को निकली थी, जबकि इसके आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 28 नवंबर है। तो इस प्रकार से जो पिथौरागढ़ में जो टोटल पद निकले हैं वो 32 हैं, और इसके लिए जो शैक्षिक योग्यता रखी गई है वो किसी भी मान्यता प्राप्त से हाई स्कूल केवल होना चाहिए, और यहाँ का स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए। एज 18 से 42 साल तक रखी गई है। तो इस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं, और इसके लिए आवेदन जो फॉर्म है वो यहाँ पर दिया गया है। दिवाली से पहले रोशन होगा घंटाघर और गांधी पार्क। तो घंटाघर में स्पेशल लाइटिंग और फवारा बनेंगे आकर्षण का केंद्र। तो म्यूजिकल फाउंटेन से गांधी पार्क की रौनक बढ़ेगी। ऋषिकेश से खबर है जहाँ पे महिला संदिग्ध हालत में लापता। तो मुनी की रेती थाना क्षेत्र में एक शादीशुदा महिला संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। पैराग्लाइडिंग हादसे में घायल शुभांग नहीं रहे। तो सतपुली में पैराग्लाइडिंग की टेस्ट फ्लाइट की लैंडिंग के दौरान घायल हुए शुभांग रतुड़ी की बुधवार को दून में मौत हो गई। केदारनाथ विधायक मनोज को कोरोना, दून में भर्ती हैं। तो केदारनाथ विधायक मनोज रावत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, वह दून अस्पताल में भर्ती हैं। सरकारी स्कूल भी बच्चों की सुरक्षा पर पीछे हटे। तो 2 नवंबर से निजी के बाद अब सरकारी स्कूल का खुलना भी मुश्किल हो गया है। सरकारी स्कूलों ने भी बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि सुरक्षा के सारे मानकों का पालन करेंगे, लेकिन संक्रमण फैला तो जिम्मेदारी उनकी नहीं होगी, ऐसे में किसी भी कार्रवाई का विरोध किया जाएगा। डीएलएड प्रशिक्षित धरने पर डटे रहे। तो शिक्षा निदेशालय पर धरना दे रहे डाइट डीएलएड प्रशिक्षितों ने अब रात को भी धरना स्थल पर डटे रहने का फैसला लिया है। इसके लिए प्रशिक्षितों ने निदेशालय के भीतर ही तंबू लगा दिया है। डीएलएड संघ के प्रवक्ता जितेंद्र ने कहा कि नियुक्तियों को लेकर शासन प्रशासन या सरकार के स्तर में अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है।
विधायक जीना की पत्नी के निधन पर सियालदे बंद। तो सल्ट विधायक सुरेंद्र जीना की पत्नी आकस्मिक निधन पर सियालदे और देघाट बाजार में शोक सभा आयोजित की गई, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं ने व्यापार मंडल सियालदे में 2 मिनट का मौन रखकर मृतक आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की। अल्मोड़ा में मुख्यमंत्री रावत का दौरा स्थगित। तो विधायक सुरेंद्र सिंह जीना की पत्नी के निधन के बाद मुख्यमंत्री का अल्मोड़ा दौरा बुधवार को स्थगित हो गया। अचानक सीएम का दौरा स्थगित होने से सारी व्यवस्थाएं धरी की धरी रह गई। वही खबर है उत्तरकाशी के डूंगा रेंज से, जहां पर डूंगा रेंज में धधक रहे हैं जंगल। तो 3 दिन से जल रहे हैं जंगल, जानकारी के बावजूद वन विभाग नहीं ले रहा है सूद। दुष्कर्म के प्रयास के मामले में पुलिस के हाथ खाली। तो पौड़ी से खबर है, जहाँ पे चौबट्टा खाल तहसील क्षेत्र में एक छात्रा के साथ दुष्कर्म के प्रयास संबंधी मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। करीब 5 दिन पहले उक्त मामला रेगुलर पुलिस को हस्तांतरित किया गया था, लेकिन पुलिस अभी तक मामले में न तो आरोपी की पहचान कर पाई है और न ही जाँच के नाम पर कोई कार्रवाई की गई है। भालू ने एक और मवेशी को मार डाला। तो गोपेश्वर से खबर है, जहाँ पे चमोली जिले के दसोली विकास खंड के खैनरी गांव में मवेशियों को निवाला बनाने वाले भालू ने खैनरी गांव के संजय सिंह पंवार और विनोद सिंह पंवार की गौशाला की छत तोड़कर एक बैल को मार डाला। वही खबर है, यह नरेंद्र नगर से, जहाँ पे गुलदार ने बकरियों को निवाला बनाया है। 4 प्रकार के प्रदूषण को कम करेंगे 4 तरह के पेड़। तो विशेषज्ञों से जानकारी जुटाकर वन अनुसंधान संस्थान ने हल्द्वानी में तैयार की नर्सरी, घर की शोभा भी बढ़ाएंगे कुछ पौधे। कोरोना काल में वाहन खूब दौड़ाए, भुगतान नहीं कर पाए। तो कोविड ड्यूटी में लगाए गए सैकड़ों वाहन ने कुमाऊं में रफ्तार भरी और डीजल का भी जमकर इस्तेमाल किया, लेकिन पेट्रोल पंप स्वामियों को अभी तक भुगतान नहीं हो सका है। बेटियों ने दी दरोगा को मुखाग्नि। तो हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे कोरोना से मृत दरोगा के शव को दोनों बेटियों ने शमशान घाट पर पीपी किट पहनकर मुखाग्नि दी। कॉलेजों को खोलने की तिथि कैबिनेट में तय होगी तय। तो प्रदेश में महाविद्यालय अगले महीने में खुलेंगे, इसके खुलने की तिथि कैबिनेट की बैठक में तय होगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसकी तैयारियां को लेकर चर्चा की गई है। विभाग ने शिक्षकों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन से खड़े किए हाथ, शिक्षकों को कहा वे खुद कराएं सत्यापन। 2 साल बाद चालक के पदों की होगी तकनीकल परीक्षा। तो 1 से 7 नवंबर को IDTR झाजरा में लिया जाएगा टेस्ट। तो लिखित परीक्षा के 2 साल बाद अधिक सेवा चयन आयोग ने ड्राइवर यानी वाहन चालक पदों की तकनीकी परीक्षा तिथि घोषित कर दी है। 26 अभ्यर्थियों की पहचान नहीं हुई तो बढ़ेगी मुश्किल। तो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में नकल करने वाले 26 अभ्यर्थियों की पहचान नहीं हुई तो चयन आयोग के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। आयोग को SIT की अंतिम जांच रिपोर्ट का इंतजार है। नकल करने वाले जिन अभ्यर्थियों को की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, उन्होंने हरिद्वार जिले की 14 केंद्रों पर परीक्षा दी थी। अधीन सेवा चयन आयोग ने फॉरेस्ट गार्ड के 1218 पदों पर भर्ती परीक्षा रद्द न करने का निर्णय लिया है। फरवरी 2020 में हुई लिखित परीक्षा में 22 परीक्षा केंद्रों पर ब्लूटूथ के जरिए 57 अभ्यर्थियों के नकल करने का मामला सामने आया। SIT ने 31 अभ्यर्थी की पहचान कर चुका है, बाकी 26 अभ्यर्थियों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। वाहनों से होने वाला वायु प्रदूषण रोकने के लिए सरकार लगाएगी CNG नीति। तो प्रदेश में 2022 तक करीब 28 लाख वाहनों को CNG में लाने की योजना है। वही खबर है, बाजपुर से केलाखेड़ा में गोली मारकर कैटरिंग व्यवसायी की हत्या कर दी गई। तो गांगुली नदी के पुल के पास शव मिला है, मौके से लोडेड तमंचा भी बरामद हुआ। भ्रष्टाचार नहीं सहेगी, आप सड़कों पर होगा प्रदर्शन। तो आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग की है। आप पार्टी का कहना है कि सरकार ने जीरो टॉलरेंस पर प्रदेश की जनता को बरगलाने का काम किया है। 4 सालों में सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। वहीं दिल्ली में आप के राष्ट्रीय प्रवक्ता राघव चड्ढा ने भी CM के इस्तीफे की मांग की है। NH घोटाला, 87 आरोपियों को 21 नवंबर को कोर्ट में पेश होने का नोटिस दिया गया। तो 28 आरोपियों के मामले में गवाही 14 दिसंबर की तिथि नियत की गई है।
चंपावत से खबर है, ये चलती रोडवेज बस में चालक को पड़ा दौरा, तो बस चलाते वक्त इसके चालक को बुधवार को दिल का दौरा पड़ गया जिससे यात्रियों की जान सांसद में पड़ गई। दौरा पड़ने के बावजूद चालक ने हैंड ब्रेक लगा दिया, इससे बस जोर के झटके के साथ रुक तो गई लेकिन सड़क किनारे खड़ी एक स्कूटी इसकी चपेट में आ गई। दहेज की मांग पूरी न करने पर तीन तलाक, केस दर्ज हुआ है। तो खबर है जसपुर से, जहां पे एक महिला ने अपने पति सहित 6 लोगों के खिलाफ नशे के इंजेक्शन देकर जान से मारने का प्रयास करने और मारपीट कर घर से निकालने के बाद 3 तलाक देने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। 15 नवंबर से खुलेगा राजाजी टाइगर रिजर्व, तो विश्व प्रसिद्ध राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क पर्यटकों के लिए 15 नवंबर से खुल जाएगा। पनीर का सैंपल जांच में फेल, पतंजलि समेत 3 पर केस। तो पिछले साल खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से लिए गए पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के पनीर का सैंपल जांच में फेल हो गया, इसके बाद विभाग ने पतंजलि और प्रोडक्ट तैयार करने वाली फर्म समेत 3 के खिलाफ एडीएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया है। हरिद्वार में नामी अस्पताल में 1 करोड़ की धोखाधड़ी हुई है, तो कैथ लैब मशीन से कंपनी के खाते में जमा कराए गए थे 1.2 करोड़ रुपये। राष्ट्रीय धरोहर के रूप में संरक्षित किया जाएगा तृतीय केदार तुंगनाथ धाम, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने प्रस्ताव भेजा है। बात करते हैं देहरादून की खबरों की, तो सब्जी बेचकर पिता ने पढ़ाया, निशांत ने आईआईटी में दाखिला पाया। तो देहरादून के कैलाशपुर गांव निवासी निशांत मेनवाल ने पेश की है मिसाल। ऑपरेशन के इंतजार में 3000 मरीज, तो कोविड-19 के चलते दून मेडिकल अस्पताल में नहीं हो पा रहे हैं ऑपरेशन। रेलवे जल्द शुरू करेगा पिक एंड ड्रॉप व्यवस्था, तो अगर आप रेल यात्रा करने जा रहे हैं और आपके पास सामान कुछ ज़्यादा है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप रेलवे पिक एंड ड्रॉप व्यवस्था के तहत आपका सामान घर से लेकर कोच तक पहुंचाने का इंतजाम करेगा। फिलहाल रेलवे की ओर से महत्वाकांक्षी योजना चुनिंदा बड़े रेलवे स्टेशन पर ही शुरू होगी, इसमें देहरादून रेलवे स्टेशन भी शामिल है। त्योहारी सीजन में गुलजार हुई मसूरी, हर साल दून की फिजाओं में जहर घोलते हैं पटाखे, तो खुशियां लेकर आने वाली दिवाली के उल्लास के बीच पटाखों का शोर और धुआं हर साल देहरादून की फिजाओं में जहर घोल जाता है। अशासकीय स्कूलों में सैनिटाइजेशन के लिए नहीं मिला बजट, पल्टन बाजार गुलजार सोशल डिस्टेंसिंग तार तार, तो अनदेखी कहीं भारी न पड़ जाए। तो कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए प्रशासन सख्त गाइडलाइन जारी की है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। डीएनए लैब में स्टाफ और उपकरण बढ़ेंगे, तो देहरादून से खबर, जहां पर लैब में टेक्नीशियनों की जल्द भर्ती की जाएगी। सेब उठाने के विवाद में दी थी लूट की झूठी सूचना, तो लूट की जिस सूचना पर पुलिस ने रात भर दौड़ लगाई वह कहानी असल में झूठी निकली। विवाद कुछ युवकों के साथ सेब उठाने को लेकर हुआ था, पुलिस ने लूट की झूठी सूचना देने के आरोप में फल विक्रेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। एग्जामिनेशन में 345 पदों पर भर्ती निकली हुई है, संघ लोक सेवा आयोग की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो 17 नवंबर रखी गई है। इसके ऑफिशियल साइट UPSC में जाकर के आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं राजस्थान लोक सेवा आयोग में भी 33 पदों पर भर्ती निकली हुई है, तो इसके लिए आवेदन की जो तिथि करने की है वो 5 से 24 नवंबर के बीच रहेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर जल्द करें आवेदन, तो बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन में 4638 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली हुई है, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की हार्ड कॉपी भेजने की तिथि 24 नवंबर तक की गई है, जबकि ऑनलाइन आवेदन की तिथि जो है वो 2 नवंबर तक है। वहीं टेक्नीशियन ऑफिसर व अन्य पद खाली हैं, तो 25 पदों पर भर्ती निकली हुई है, तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है वो 3 नवंबर तक रखी गई है। आसन बैराज झील में बढ़ने लगी मेहमान परिंदों की अटखेलियां, तो देश विदेश से करीब 11 प्रजातियों के परिंदों ने झील में डेरा डाला है। टिहरी झील में साहसिक गतिविधियां व खेलों का जिम्मा अब ITBP को दी जाएगी, तो CM बोले टिहरी झील को पहचान दिलाएगी ITBP। देवाल से खबर है, जहाँ पे 7 माह बाद लोहा जंग बेस कैंप पहुंचे 40 पर्यटक, तो कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद ही दिया जा रहा है प्रवेश।
खेत में काम कर रहे किसान का शव झाड़ियों में मिला। तो खबर है धुआंकोट से, जहाँ पे नैनीडांगा ब्लॉक के केलधार मल्ला गांव में खेत में काम कर रहे किसान का शव करीब 200 मीटर दूर घटधार तोक की झाड़ियों में मिला। महिलाओं ने रोका सड़क निर्माण, तो चक्रगांव उपराड़ी सड़क का अलाइनमेंट बदले जाने का विरोध किया है। तो उत्तरकाशी के बड़कोट से खबर आई है, धारी देवी मंदिर में निकली इंदिरा गांधी तिरंगा यात्रा। तो कलियासैंण में इंदिरा गांधी तिरंगा यात्रा निकालते सेवा दल के सदस्य। वाटर स्पोर्ट्स पाठ्यक्रम में स्कूल बना बाधक, तो सीधे सुमन विश्वविद्यालय के कैंपस में स्थित स्कूल को नहीं मिल रही है जगह। 2 नवंबर से स्कूल खोलने की तैयारियों में जुटा हुआ है विभाग। तो खबर आई है देवाल से, वहीं खबर है नए टीरी से, जहाँ पे जर्जर हो चुकी टीरी जिले की 80 राजस्व चौकियां, तो मरम्मत के लिए तहसील से प्रशासन को नहीं भेजे जा रहे हैं प्रस्ताव। डिग्री माइग्रेशन के फॉर्म नहीं मिलने से छात्रों में आक्रोश है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो नामी अस्पताल में 1 करोड़ की धोखाधड़ी हुई है। तो हरिद्वार से खबर है, जहाँ पे कैथ लैब मशीन के लिए कंपनी के खाते में जमा कराए थे 1.2 करोड़ रुपए। सीबीआई जांच के आदेश से गरमाई राजनीति। तो हरिद्वार से खबर है, जहाँ पे मंडल प्रशिक्षण वर्ग में पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को नकारा है। बैंक मित्र को मारी गोली गंभीर। तो भगवानपुर से खबर है, जहाँ पे छुटमलपुर से दोस्त के साथ बाइक से घर लौट रहे बैंक मित्र पर 4 लोगों ने फायर झोंक दिया। गोली बैंक मित्र के हाथ में जा लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी ली। वहीं खबर रुड़की से, लाखों के लैपटॉप चोरी में टेम्पो चालक पर मुकदमा दर्ज किया गया है। 3 बाइकें भिड़ी, युवक की मौत हो गई। तो हरिद्वार लक्सर हाईवे पर हुआ हादसा, 2 सगे भाई समेत 3 घायल हो गए। वहीं खबर है, हरिद्वार से शौक के लिए चुराई स्कूटी, दबोचा गया है। तो कनखल के श्री यंत्र मंदिर के पास पुलिस ने आरोपी को चोरी स्कूटी के साथ पकड़ लिया। आरोपी ने बताया कि उसने शौक पूरा करने के लिए स्कूटी चुराई थी। पुलिस ने आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद उसे जेल भेज दिया। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगा कोविड का टीका। तो 8000 स्वास्थ्य कर्मी हैं जिले में सरकारी और निजी। राज्यपाल मौर्य कल आएंगी नैनीताल। वाहन खूब दड़ाए पर भुगतान नहीं किया। तो खबर है हल्द्वानी से, शाम से ही घरों में कैद हो जाते हैं लोग। तो ओखलकांडा ब्लॉक में लोगों में तेंदुए का खौफ बना हुआ है। वन विभाग ने पंजों के निशान मिलने के बाद कैमरे लगाए हैं। बेटियों ने दी चिता को मुखाग्नि। तो कोरोना से मृत दरोगा की चिता को दोनों बेटियों ने शमशान घाट पर पीपी किट पहनकर मुखाग्नि दी। जवाहर नगर में 2 पक्षों में मारपीट, संदिग्ध हालत में दरोगा घायल। तो जवाहर नगर में बाइक निकालने को लेकर के 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। इधर रेलवे स्टेशन पर मारपीट के दौरान पहुंचे दरोगा संदिग्ध हालत में घायल हो गए। एसपी सिटी ने मौका का मुआयना कर घटना के बारे में जानकारी ली है। नहीं बड़ी सीटें, 2000 से अधिक छात्र बीए में प्रवेश पाने से वंचित हो गए। तो हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे एमबीपीजी कॉलेज में इस बार स्नातक प्रथम वर्ष में सीटें न बढ़ने से बीए में 2000 से अधिक छात्राएं प्रवेश से वंचित रह गए। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो गुस्सा जल संस्थान में युंका ने जड़ दिए ताले। तो कर्मचारियों को बाहर निकाला, नगर में पानी की किल्लत से रोष है। पानी की टैंक से दिसंबर से आपूर्ति करने के निर्देश दिए हैं। तो खबर है ये पिथौरागढ़ से, कार खाई में गिरने से पूर्व सैनिक की मौत हो गई। तो चंपावत से खबर है, जहाँ पर पिथौरागढ़ लोहाघाट बारामासी मोटर मार्ग पर दीप होटल के पास एक कार खाई में गिरने से उसमें सवार एक पूर्व सैनिक की मौत हो गई, जबकि एक शिक्षिका गंभीर रूप से घायल हो गई। पपदेव की महिलाएं सरपंचों के पहरे में काट रही घास। तो जिला मुख्यालय के पपदेव
गांव में महिलाएं सरपंच की देखरेख में घास काट रही हैं। तेंदुए ने क्षेत्र में 14 अक्टूबर को घास काट रही महिला को मार दिया था। इसके बाद महिलाएं घास काटने से कतरा रही थी। कुछ दिन वन विभाग ने महिलाओं को सुरक्षा दी, अब गांव के सरपंच महिलाओं की सुरक्षा में जुटे हुए हैं। तेंदुए की टोली ने कोट अमोड़ी पहुंची वन विभाग की टीम। जोड़ मेले के लिए सजा गुरुद्वारा, तो रिठा साहिब का 3 दिवसीय जोड़ मेला बृहस्पतिवार से शुरू होगा। शुक्रवार को मुख्य मेला होगा। 3 जून से होने वाले मेला कोरोना के कारण स्थगित हो गया था, अब फिर से मेला होने से श्रद्धालुओं में खूब उत्साह है। पिथौरागढ़ कॉलेज में 1262 प्रवेश, तो खबर है पिथौरागढ़ से, जहां पे LSM महाविद्यालय में परीक्षा संपन्न होने के बाद प्रवेश शुरू हो गए हैं। किसान का बेटा बना करोड़पति, तो पिथौरागढ़ से खबर है, जहां पे भापे गांव के किसान गणेश सिंह के बेटे अमन सिंह ने फेडजी क्रिकेट खेलकर 1.5 करोड़ रुपए जीते हैं। करोड़पति बनने के बाद अमन सिंह काफ़ी खुश हैं। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की, तो उधमसिंह नगर में 447 सरकारी निजी अस्पतालों का डाटा एकत्र किया गया है। कार और बाइक की टक्कर में खटीमा के युवा व्यापारी की मौत हो गई, तो कार और बाइक की टक्कर में बाइक के पीछे बैठे एक युवा व्यापारी की मौत हो गई तथा बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया है। पंतनगर में किराना की गोदाम में चोरी हुई है, तो CCTV में पहचान होने पर स्टोर कर्मी ने कबूला जुर्म, दूसरे आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। वही खबर है रुद्रपुर से, जहां पे जिले भर में 4825 बच्चे देंगे प्रवेश परीक्षा, तो नवोदय विद्यालय 7 नवंबर को होने वाली प्रवेश परीक्षा के लिए जिले में 12 केंद्र बनाए गए हैं। 8 घंटे बिजली कटौती से कारोबार ठप, तो रुद्रपुर में कारोबारियों और लोगों में ऊर्जा निगम के खिलाफ आक्रोश है। वहीं खबर है जसपुर से, जहां पे महिला को 3 तलाक दिया गया, केस दर्ज किया गया है। खटीमा में प्रशासन ने JCP से ध्वस्त किए 3 पक्के निर्माण। वही खबर है, एक इच्छा मंडी निरीक्षक से मारपीट के मामले में कार्रवाई की मांग की गई है। पार्षद हत्याकांड स्थानीय संदिग्धों के करीब पहुंची पुलिस, तो भाजपा समर्थित पार्षद प्रकाश धामी हत्याकांड का पुलिस जल्द खुलासा कर सकती है। पुलिस ने किशोरी की शादी रुकवाई, तो पुलिस ने शिकायत के आधार पर गांव बन्नाखेड़ा में हो रही नाबालिग लड़की की शादी रुकवा दी, जिसमें शादी समारोह में अफरा तफरी मच गई।